इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई निवासी ब्यावर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राजे की, पूज्य मुनि श्री ईश्वर दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संदान सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। प्राचीन ऐतिहासिक क्षेत्र पर, अतिशय क्षेत्र पर आज यह है दूसरी बार विधान का अवसर आ गया। पहले जब हम यहाँ आए थे तब भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ था। क्यों न हो, अभी पूजा में आपने पढ़ा, कार्तिक फागुन साढ़े के अंत आठ दिन माही, समझ में आया। तो आषाढ़ की अष्टानिका में हमने पहले दिन यहाँ प्रवेश कर लिया था, और कहते हैं चातुर्मास पूरा तभी माना जाता है अष्टानिका में आ जाओ, और अष्टानिका में ही, समझ में आ रहा है। तो अष्टानिका की इन अटाइयों में आप लोगों का पुण्य बलजोर हुआ, और अन्यत्र ये विधान नहीं होकर ये एलोरा की पावन धरा पर ये विधान यहाँ पर हुआ। बहुत सारे तरह की बातें भी आई, होगा नहीं होगा, कब होगा क्या होगा, लेकिन कुछ नहीं, होगा होगा होगा, और गुरुवर के आशीर्वाद से होगा, और जीव दया के उद्देश्य को लेकर होगा। यह भी भावना हमने भाई थी, और वही भावना साकार हुई, और ध्वजा ने भी ध्वजारोहण के माध्यम से बता दिया। पहले उत्तर की ओर गई कुबेर का खजाना, और फिर पूरब की ओर चली गई, सारों के सब लोगों को निरुत्तर कर दिया उस ध्वजा ने। उत्तर में जाकर बता दिया कि अब कोई प्रश्न की करने की जरूरत नहीं, मैं उत्तर के लिए पर्याप्त हूँ। और पूर्व में जाकर अपूर्व काम करने वाली वह ध्वजा आपके यहाँ एलोरा में हो गई, जिस चातुर्मास में अपूर्व अपूर्व काम हुए। आज तक पाटनिधि भी कहते हैं महाराज, जो काम 20 वर्षों में नहीं हुए वो 4 महीने में यहाँ करके आपने बता दिए। क्यों नहीं होंगे, आप लोग जब कमर कस लेंगे अपना आप कार्य संपन्न होंगे। ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे से मिलकर जब चलते हैं तभी ऐसे कार्य संपन्न होते हैं। आज घट यात्रा और ध्वजारोहण दोनों एक साथ हुए, और आज अभी आप लोगों ने सिद्ध चक्र विधान में 8 अर्घ भी चढ़ाए। तो पहले तो ध्वजा की हम घट यात्रा की 4 विशेषताएँ बता देते हैं कि घट यात्रा की 4 विशेषताएँ क्या है। मूट माटी का स्वाध्याय यहाँ पर समापन की ओर, कल नहीं परसों मंगलवार को उसका भी समापन हो जाएगा। तो यहाँ मूट माटी के माध्यम से जो गुरुदेव ने जो बात कही है कि माटी को उन्होंने पात्र, प्रमुख पात्र बनाकर एक ऐसे महाकाव्य की रचना की, जिस महाकाव्य के को पढ़ते ही अच्छे अच्छे चोटी के विद्वान भी दांतों तले उंगली दबाते हैं। उस महाकाव्य की व्याख्या हर कोई कर भी नहीं पाता है, ऐसे उस महाकाव्य में जो पतित से पावन। तो मैं माटी का महत्व बता रहा था कि माटी जो है वो अग्नि परीक्षा देती है, और अग्नि परीक्षा जब दे देती है तो उसमें जो पानी उसको बहाकर ले जा रहा था उसी पानी को बांध कर रखने की क्षमता भी उसमें आ जाती है। अभी पानी माटी को बहाकर लेके जा रहा था, अब वही माटी उस पानी को बांध लेती है। किसके बल पर? अग्नि परीक्षा के बल पर। यह है सहनशीलता का प्रतीक। दूसरा है, जो कुंभकार है उस कुंभकार को प्रति जब वह माटी समर्पित हो जाती है तभी वह पद दलित माटी भी
शीश पर धारण करने योग्य बनती है, तो समर्पण का प्रतीक। कुंभ सबसे पहले सहनशीलता का प्रतीक, दूसरा है समर्पण का प्रतीक, तीसरा है वह अकेले खुद ही नहीं माटी के माध्यम से अनेक लोग तिर जाते हैं और इसीलिए खुद भी वह शीतल रहती है और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करती है। आप देख लीजिए है ना, तो वह कुंभ जो माटी का कलश आप अभी अपने शीश पर धारण करके लेकर आए, तो खुद भी शीतल है और दूसरों को भी शीतलता प्रदान कर रहा है, शीतलता का प्रतीक। और चौथा है कलश ऐसे ही नहीं बना, कलश तब बना जब उसको तपाया गया और तपाने पर हर कोई शुद्ध हो जाता है, शुद्धता का प्रतीक वह माटी का कुंभ आपके शीश पर जो आपने धारण किया। तो ये चार बात याद रखना है कुंभ के द्वारा, पहला है सहनशीलता का प्रतीक, दूसरा है समर्पण का प्रतीक, तीसरा है शीतलता का प्रतीक और चौथा है शुद्धता का प्रतीक। अब आई ध्वजारोहण की बात। ध्वजारोहण में आप लोगों ने देखा होगा एक ध्वज दंड होता है, उस पर ध्वजा लहराती है, ठीक है ना, और एक प्लेटफार्म कटनी, तीन कटनी उसमें रत्न तरह के प्रतीक स्वरूप बनी रहती है। तो ध्वजा हमेशा ऊंचाई की ओर जाती है, यह ऊंचाई की ओर ही क्यों हम फहराते हैं, नीचे नहीं रखते ध्वजा को, कभी भी कोई नीचे नहीं रखेगा, हमेशा झंडा ऊंचा रहे हमारा। आप लोगों ने भजन गाया ना, तो ये झंडा जैन धर्म की ध्वजा हमेशा ऊंची रहे, यह उच्च स्थान जीवन के उत्थान का प्रतीक यह ध्वजा है। यह ध्वजा बोल रही है जैसे मैं ऊपर की ओर जाती हूं वैसे तुम भी अपने जीवन का उत्थान कर। दूसरा, ध्वजा कभी भी कोई पत्थर की या चांदी सोने की या ये नहीं होती, शास्त्रों ने मंदिरों पर भी कपड़े की ध्वजा बताई, कपड़े की ध्वजा क्यों बताई, क्योंकि यह कपड़े की ध्वजा जो होती है ना वो लहराती है, फहराती है। देखो आप अभी हवा चल रही है तो कपड़ा लहरा रहा है, फहरा रहा है, इसका मतलब विनय का प्रतीक। जैसे मेरे में लोचशीलता है वैसे तुम अपने में भी लेके आ, विनय मोक्ष का द्वार है और उसी विनय के द्वारा तुम ऊंचाई को छू पाएगा। इसलिए ध्वजा कह रही है तुम विनय को गुण को अपने अंदर में लेकर आ। और फिर है यश पताका, जो है ध्वजा को यश पताका भी कहा जाता है, और यश पताका मतलब सुख समृद्धि वैभव का प्रतीक, सकारात्मकता का प्रतीक है। ध्वजा को देखते ही कोई भी व्यक्ति साइलेंट हो जाएगा तुरंत, ये ध्वजा किसकी, उसकी। आप देखिए युद्ध वगैरह होते सबसे पहले ध्वजा ही वहां पर लगाते हैं, सुन रहे हो नहीं सुन रहे महेंद्र, हाँ। उसके बाद में विजय पताका का प्रतीक है, जो युद्ध में जीत का प्रतीक है। इस प्रकार से ये भी चार प्रतीक आप याद रख लेना, हमारे उत्थान का प्रतीक, विनय का प्रतीक, सकारात्मकता का प्रतीक और जीत का प्रतीक। इस प्रकार से हमें इस ध्वजा के माध्यम से अनेक जो मिल रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से अनेक जो उपदेश मिल रहे हैं उसे अपने जीवन में हम सार्थक करें। बस डंडे के माध्यम से वो ऊपर हुई है, डंडे के माध्यम से वह ऊपर हुई है। खुद को लगाओ डंडा, खुदा बन जाऊंगी। खुद को लगाओ डंडा, खुदा बन जाऊंगे। बस वो डंडा अपने अंदर में भी लगाना है, तभी हम ऊंचे उठ पाएंगे। उस ध्वजा की तरह ऊपर उठें और मंगल कलश की तरह हम भी पूज्य बने, इसी भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की। एलोरा के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री ईश्वर दुर्लभ सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बहुत दिनों से एक लंबी श्रृंखला चल रही थी, पहले स्वर की श्रृंखला चली और स्वर के बाद व्यंजन भी आए, लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए होंगे। और क्योंकि व्यंजन तो सबको ही प्रिय होते हैं, तो हमने भी देखा आज मंगलवार है उसका मंगल कर ही दें। तो आज अंतिम अक्षर
जो है व्यंजन का है कि बात करना है, और यहाँ पर है से हमने सोचा कि क्या लिया जाए, तो हारना बुरा नहीं है, हार मानना बुरा है। क्या बोला? हारना बुरा नहीं है, हार मानना बुरा है। यदि आपने हार मान ली तो फिर कुछ नहीं, क्योंकि संत कहते हैं मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। बस आप ठान लो तो जीत आपकी होना ही होना है। आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा, जिन्होंने लेकिस लेचर से लेकर आपके उपराष्ट्रपति तक के 19 बार चुनाव में वो हारे। कितने बार? 19 बार हारे, लेकिन जब जीते तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनकर सीधे राष्ट्रपति बन गए। क्योंकि ये है, हारने के बाद वह जीत ऐसी हासिल की कि सीधे प्रेसिडेंट बन गए। इसलिए हारना बुरा नहीं, हार मानना बुरा है। पंक्तियां किसी ने सार्थक कही है कि जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है, पांव दिए चलने के खातिर। क्या बोला? पांव दिए चलने के खातिर पांव पसारे मत बैठो, और जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारना नहीं है, क्योंकि चोट मारते हैं तो उस चोट से चट्टान टूटे जरूरी नहीं है, लेकिन चोट से ही चट्टान टूटेगी। समझ में आ रहा है? एक बार मारा, दूसरा कल आई थी मेरे पास एक बिटिया, महाराज जी आशीर्वाद दो, सीएमए निकल नहीं पा रही हूँ, आशीर्वाद दिया। मैंने बोला हिम्मत मत हारो। बस आज उसी को ही रात में थोड़ा सा चिंतन किया और आपके सामने कि हिम्मत नहीं हारना है। ट्राई एंड ट्राई अगेन, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वह छोटी सी चींटी होती है ना। हाँ, डुबकियां, अभी अभी अमिताभ बच्चन के पिताजी की पंक्तियां ये भी, हरिवंश राय बच्चन, डुबकियां गहरे पानी में गोता खोल लगाते हैं और जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं, लेकिन मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पर इन पंक्तियों को नन्नी नन्नी चींटियों से आप देखो ना, रामचंद्र जी के जीवन को उठा के देख लो, सुबह राज तिलक होना है लेकिन रात में ही पासा पलट गया, और जहाँ राज गद्दी पर बैठना था वहां पर वन के अंदर जाकर वनवास बिताने की घोषणा हो चुकी है रात ही में। श्री कृष्ण को आपके यहाँ छोटे से बालक का जब जन्म होता है कम से कम थाली बज जाती है, नहीं बजती कांसे की या स्टील की, लेकिन जेल में जन्म हुआ। क्या हुआ? क्या रामचंद्र जी ने हार मान ली? क्या वो श्री कृष्ण ने हार मान ली? नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी, आप लोगों को जीतने का तरीका बता दिया कि मेरे तरीके पे चलो तो आप भी मंजिल पा सकते हो, आप भी इस संसार में अपनी उन्नति कर सकते हो, और आपको देखकर दूसरे भी आपके पीछे लग सकते हैं। इसलिए डिप्रेशन में मत जाओ, अपने उमंग, अपने उल्लास, अपने उत्कंठा, अपने उत्साह को शांत मत होने दो। मैं तो कह रहा हूं कि टेंशन लेना नहीं और टेंशन करना भी नहीं, तो टेंशन करना नहीं है और
मेंशन करना है और डिप्रेशन को दूर भगाना है तो अटेंशन रहना है, अटेंशन रहना है तो आपको हार की कोई बात ही नहीं। जो भी हार होती है वो हमें कुछ सबक देकर जाती है, जीत देकर जाती है, जीतने का मार्ग बता कर जाती है। इसलिए कभी भी हारने की बात नहीं, बस हताशा अपने जीवन में मत लेकर आओ। हर से हताशा भी होता है, हताशा अपने जीवन में कभी ना आए, क्योंकि संत कहते हैं रात लंबी हो सकती है लेकिन शाश्वत नहीं। रात के बाद सूरज आएगा और प्रभात होगा, काली रातें भी आपके सूरज आते ही सब धूमिल हो जाता है। भगवान की पूजा जब करते हैं तो वो अपने समान ही उसको भी बना देते हैं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इसी के साथ में अभिषेक की जो बात आई तो अभिषेक के बारे में बता दूं, अभिषेक भी 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बताया था हमने? जन्माभिषेक, राज्याभिषेक, फिर दीक्षाभिषेक और जिनाभिषेक और देवाभिषेक। देवताओं के यहाँ जो अभिषेक होता है वो देवाभिषेक, और राज्याभिषेक पहला जन्माभिषेक। भगवान का जब जन्म होता है सौधर्म इंद्र आदि आकर जो अभिषेक करते हैं वह जन्माभिषेक, फिर उसके बाद में राज्य, कोई भी राजा को जब राजा बनाया जाता है वो राज्याभिषेक और दीक्षाभिषेक। जब दीक्षा होती है हम दोनों की हुई तो अंतिम अभिषेक होता है, उसके बाद अभिषेक स्नान नहीं होता, अस्नान व्रतधारी बन जाते हैं। और उसके बाद जब पंच कल्याणक से युक्त जो प्रतिमा होती है उसका जो अभिषेक अपन जो मंदिर में जो अभिषेक करते हैं वो अभिषेक कौन सा है? जिनाभिषेक। इस प्रकार से यह अभिषेक और आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। विसर्जन तो आप जानते ही हो कि विसर्जन में शांति पाठ बोलते हैं और शांति पाठ के साथ में भावना भाते हैं कि शास्त्रों का वो पठन शुद्धा, लाभ सत्संगति का, सद्व्रतों का सुदृष्टि, दोष डाकू सभी का, बोलू प्यारे वचन इनके, आपका रूप ध्याऊं, तोलू सेऊ चरण इनके, मोक्ष जल पाऊं। ये 7 जिस प्रकार से फेरे होते ना फेरे, उस समय 7 प्रतिज्ञाएं करते हैं आप, ऐसे ही भक्त और भगवान का गठजोड़ा होता है और उस गठजोड़े में ये 7 प्रतिज्ञाएं भगवान के सामने अपन करते हैं कि भगवान भाव भाव में जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति न हो तब तक मैं इसी प्रकार से करता रहूं। इसी का, क्योंकि पूजा का सबसे अच्छा जो है कारण है वो है अहम का विसर्जन। अहम का विसर्जन होगा अहो भाव का प्रादुर्भाव होगा, अहो भाव की प्राप्ति होगी। अहो भाव की प्राप्ति करना चाहते हो तो अहम का विसर्जन करें। आचार्य श्री जी भी हाइकू के माध्यम से कह रहे हैं कि अर्पित यानी मुख्य समर्पित सो अहम का त्याग। आप प्रभु चरणों में कुछ अर्पित करना चाह रहे हो तो अर्पित यानी मुख्य समर्पित सो अहम का त्याग। अहम का त्याग तभी होगा जब हम अपना जो मुख्य चीज है उसको समर्पित करेंगे। बहुत सारी चीजें बांधी हुई है, अभी भी बांधे हुए हैं, इन 8 दिनों में वो सब त्याग करना है। यहाँ पर तो मैं बोल रहा था अंतिम अंतिम है कि आपको यहाँ पर धन का त्याग नहीं करना है, जितना कर सको उतना करो, लेकिन यहाँ पर कसाईयों का त्याग कर, अहम का विसर्जन तभी हमारे लिए पुण्य का उपार्जन। अहम का विसर्जन हुए बिना पुण्य का उपार्जन नहीं होगा। व्यवस्थाएं बनाने वालों ने सब व्यवस्थाएं बना दी, अब अपन को क्या करना है? इन 8 दिनों में कसाय का त्याग करना है। मैंने सवेरे ही बोला था, मन प्रशस्ते वचस प्रशस्ते काय प्रशस्ते च कसाय हानि, इसी का नाम सतली किया है। सतलीकरण किसे बोलते? मन वचन और काय की प्रशस्तता के साथ कसायों की हानि होना ही हमारे लिए यह सतलीकरण होगा। आज आप लोगों ने ध्वजारोहण और घट यात्रा के साथ ये कार्य प्रारंभ किया है, सतलीकरण भी हो गया है, बस अब अपन धीरे 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 जिस प्रकार से एक एक अर्घ बढ़ते जाएंगे हमारे अंदर में अहो भाव भी बढ़ता जाएगा और अहम भाव
कब होता चला जाएगा, बस वह अहम भाव कम हो और अहोभाव बढ़े, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। और जिलेटिन की हकीकत क्या है, वो जिलेटिन कैसे बनता है, तो वो बनता है हड्डियों और त्वचा को और उनके रेशों को उबाल कर जिलेटिन बनाया जाता है। ये जिलेटिन का सत्य है, ये जिलेटिन का क्या है, सत्य है। आप विचार करना, जिस जिलेटिन में, जिस जिलेटिन को बड़े चाव से आप अपने अन्य अनेक सामग्रियों में डालते हो, हकीकत बता रहा हूँ मैं, मेरे मन से कुछ नहीं। आप कहोगे तो मैं पेपर भी दे दूंगा, सब दे दूंगा, आपको मालूम है मैं बिना तथ्य के बोलता ही नहीं हूँ, हवा में बात करता ही नहीं हूँ। जिलेटिन के बाद जेली की बात है कि जेली जो आपके हर पदार्थ में रहती है, वो जेली का निर्माण क्या होता है, वो जेली जिलेटिन के बिना नहीं बनती है। वो जेली बिना जिलेटिन के कोई बना नहीं सकता उस जेली को। तो जेली जो है वो काहे की बनती है, बोले वो जिलेटिन की बनती है। उसमें जिलेटिन मतलब क्या, अंडे का भी और चर्मों की, वो जो अंडे और चर्म के रेशे उसमें मिलाए जाते हैं तब बनती। बहुत कम कंपनियां हैं, वेजिटेबल कुछ ही कंपनियां हैं जो जेली जो है वो शायद शाकाहारी बनाती, लेकिन लगभग 95% जेली जो है वो इसी प्रकार से बनती है। समय तो अपना हो रहा है लेकिन विषय बहुत अच्छा है और बच्चों का है, लेकिन क्या करूं, अब कल तो मिलेगा ही आपको। चॉकलेट के विषय में और बता देता हूं अंतिम बात, चॉकलेट क्या है, चॉकलेट किस प्रकार से है। वो जो चॉकलेट आप बहुत अच्छे से खाते हैं सामान्य से, तो वो चॉकलेट ध्यान रखना, वो चॉकलेट जानवरों से प्राप्त अनेक प्रकार के पदार्थों का एक सम्मिश्रण है। वो जो विदेशी जितनी चॉकलेट हैं, और आप भारतीय चॉकलेट कम खाते हैं, आप लगभग विदेशी चॉकलेट से ही खाते हैं। कभी अपने आप से आपने प्रश्न नहीं किया कि ये चॉकलेट इतने महीने महीने सालों सालों तक पड़ी रहती है, उसमें कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं है, कोई फफूंद नहीं है, कुछ भी जो इसका स्वाद जैसे का तैसे क्या मिलाया जाता है उसमें, आ रहा है नहीं आपके मन में यह प्रश्न, क्या मिलाया जाता है, विचार तो करो। अंडे की जर्दी मिलाई जाती, वो जिलेटिन जिसकी चर्चा भी कर रहा हूँ, हर चीज में जिलेटिन है, वो जिलेटिन मिलाई जाती है। उसमें क्या टारकिंग है, डिलाई है, ऐसी कंपनी जो बहुत सारी कंपनियाँ, फोर्टकॉस है, टॉकीज है, ये सब विदेशी कंपनियाँ हैं, पिपरमेंट है, इन सब में जिलेटिन मिलाई जाती है। और आपको बताऊँ जो आप सबसे ज़्यादा खाते हैं, जो आपके सबसे ज़्यादा, 5 बज रही है, जो आपके सबसे ज़्यादा प्रिय है, वो जो चॉकलेट जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो कौन सी है, नेस्ले कैटकैट, कैटकैट है ना, किटकैट क्या, कैटकैट, कैट किटकैट, अब जो भी है अपन ने तो खाई नहीं, अपन ने तो देखी भी नहीं अभी, किटकैट। अब ये जो किटकैट की हकीकत सुन लो, मेरे ख्याल से लगभग सब खाते हो, खाते हो ना भैया, हाँ तो बोल दो, पाप कर रहे तो बोल दो, हाँ महाराज जी क्या दिक्कत है ना, खाते ना। अब किटकैट खाना छोड़ देना, बताऊंगा आपको किटकैट की असलियत, और पता कर लेना एक भी चीज़ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और एक भी चीज़ मन से नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डरा के छोड़ा दूँ मैं, नहीं, ऐसा महाव्रत है मेरा, झूठी बात नहीं बोलूँगा। वो तो किटकैट है जो आप सबकी बहुत प्यारी वस्तु है, जिसके बिना आप नहीं रह सकते हो। हर जन्मदिन के गिफ्ट में आप वहाँ जाते हो, मिलने आप जाते हो तो वो किटकैट देते हो। वो किटकैट बनती कैसे है, उस किटकैट में कॉलोरेट नाम का एक पदार्थ मिलता है, उससे बनती। वो काल, वो जो रेनेट है वो बनता कैसे, वो जो रेनेट है ना वो बछड़े, उन बछड़ों के अमाशय से मिलने वाले एसिड से बनता है। छोटे छोटे हजारों बछड़ों के किससे, अमाशय से मिलने वाले एसिड, उनके बच्चों के अंदर जो एसिड होता है उस एसिड से वो रेनेट बनता है। उठाकर देख लेना, दबा लेना बटन, आप सबके पास यूट्यूब डला है, मिल जाएगी इसकी जानकारी कि रेनेट कैसे मिलता है। और वो किटकैट को उठा के देख लेना, क्या वो बिना रेनेट के बन रही है क्या, और वो रेनेट किससे बनता है, तो वो रेनेट बन रहा है वो जो बछड़े हैं, छोटे बड़े नहीं, वो नवजात शिशु, वो बच्चे छोटे छोटे, उनके अंदर अमाशय, उस अमाशय में जो एसिड होता है उस एसिड के माध्यम से वो रेनेट बनता है, और वो रेनेट वो आपके किटकैट में है। आप विचार करना, वो किटकैट आप खा रहे हो, कितने छोटे छोटे नन्ने नन्ने उन प्राणियों की आप जान ले रहे हो, कितने सारे प्राणियों को आप स्वाहा कर रहे हो आपकी उस किटकैट में। अगर लगता है
हम शाकाहारी हैं, आपको लगता है कि हमारे मन में है धर्म के प्रति श्रद्धा, तो उस किटकैट को छोड़ देना, उस किटकैट को छोड़ देना। अभी तो तीन बातें हुई, 55 चीज़ें आप लोगों के बीच में रखूंगा, कहाँ कहाँ क्या क्या है, क्योंकि अपनी बात काय की चल रही है, अपना बिंदु क्या है, पहला बिंदु क्या है, तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तब आप भगवान बन पाओगे। भगवान बनने की बात तो बहुत कर रहे हो, तभी आप भगवान की उस हैसियत तक पहुंच पाओगे, नहीं तो आचार्य श्री की बस दो मिनट में अपनी बात को विराम देता हूं, समय अपना हो रहा है। स्वानुशासन में आप रहना चाहते हैं, लेकिन स्वानुशासन में तभी रह पाएंगे जब आप अपने आप को बांध के रख पाएंगे। आचार्य भगवान की 15 बिंदु है, जिसमें 3-4 बिंदु आज देता हूँ, बाकी कल दूंगा कि अनुशासन क्या कहलाता है। आचार्य भगवान के बड़े भैया महावीर जी ने बताया कि घर का कोई व्यक्ति अगर विद्याधर से काम बताता तो ध्यान रखना, उन्होंने जो काम बताया वो प्रतिदिन समय पर, जिस समय पर चाहिए उस समय पर वो देते थे, समय का कभी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी विद्याधर, कभी भी स्कूल से उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली, एक भी छुट्टी उनके विद्यालय में नहीं मिलती है, हमेशा क्या प्रेजेंट ही मिली है आचार्य भगवान। और अगर मान लो विद्यालय जाना है तो कभी भी वो विद्यालय तो ठीक है, कभी लेट नहीं गए। अगर कभी सुबह विद्यालय जल्दी होता था तो माँ से कहते थे दूध गर्म नहीं है, कच्चा दे दो, नहीं है तो चलेगा, वो वहीं के वहीं दूध पीते थे और चले जाते थे। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में चाय कॉफ़ी पी ही नहीं, और आज तो आप चाय कॉफ़ी बिना रह नहीं सकते हैं, ये हालत है हम लोगों की और आप लोगों की। जब ऐसे महान व्यक्ति बनते, और बहुत सारी बातें उनके बचपन से जुड़ी हुई, आगे अपन करें। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, तीर्थंकर बनना है, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। और शीलवत स्नुजार अर्थात निरतिचार शीलवतों को पालन करने की बात अपन ने कल से प्रारंभ करी थी, और उसमें प्रारंभ किया था तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। इन 8 बिंदुओं में अपना प्रथम बिंदु चल रहा है कि हिंसा का जो तांडव नृत्य है उसको दूर करना होगा, और दूर करने के लिए हमने बात करी थी कि व्रत लेना होगा, लगाम लगाना होगा, ब्रेक लगाना होगा, रोकना होगा, दूर हटना होगा। किससे दूर हटना होगा? जो चेतना को हनन करती है, जो चाल चलन को खराब करती है, जो जीवन को कलंकित करती है, जो प्रवृत्तियों को बिगाड़ती है, जो मन को विकृत करती है, जो पाप की ओर ले जाती है, ऐसी उस हिंसा को हमें बचना पड़ेगा। पाप का उपदेश सब जगह मिलता है, पाप से बचो, पाप पर ब्रेक लगाओ, पाप से विराम लो, पाप से दूर हट जाओ, क्योंकि ये पाप ही हमें आत्मा से परमात्मा नहीं बनने दे रहा है। फिर भी प्रश्न यही किया था, पाप करने में इतनी रुचि क्यों, पाप के प्रति इतना उत्साह क्यों, पाप की सीमा क्यों नहीं बनाई? और उस पाप की सीमा में आप लोगों से कल बात करी थी कि जब 24 घंटे हम रह तो रहे हैं, लेकिन हम चाहें तो अपने आप को लगाम लगा सकते हैं। और पहली बात करी थी कल कि सुबह से उठते हैं और क्या करते हैं, हम नहाते हैं। विचार करना एक बूंद में कितने जीव होते हैं, आप लोगों ने कल बताया भी था, 36,450 जीव होते हैं, इतने जीव मरते हैं एक जीव एक बूंद में। अब आप लोगों ने कल, मैंने आप लोगों से बात तो रखी थी, कितने मग्गे से नहाएंगे आप, बाल्टी से तो नहीं बोल सकता ना मैं, मग्गे से बोलूँ ना, कितने मग्गे से नहाएंगे? कम से कम इतनी मर्यादा बना ले, 10 मग्गे, 12 मग्गे, 15 मग्गे, 20 मग्गे। उन जीवों को अगर आपके अंदर दया और करुणा है तो कोई ना कोई आप
सीमा उस पाप की खींच लें तो बहुत अच्छी बात होगी। और सुबह से नहाते हैं तो नहाते वक्त आप मांस के लोथड़े से तो नहीं नहाते हैं, अगर नहाते हैं तो छोड़ देना। हर साबुन के पे TFM लिखा हुआ मिलता है, TFM। ये TFM आपको हर साबुन के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये TFM का मतलब क्या होता है देखना आप उसको पढ़ना। TFM का मतलब ये होता है कि टोटल फैटी मैटर है ना, ये होता ना टोटल फैटी मैटर का प्रतिशत कितना है, मतलब उसमें कितना फैट मिला हुआ है प्राणियों का, वो आपको मिल जाएगा कि इतना फैट मिला है, इतना फैट मिला है। अब फैट मतलब वही जो शरीर अंग उपांग उनका हिस्सा, अब बताओ वो भी किसका, सड़ा हुआ उन पशुओं का हिस्सा, दुर्गंधित हिस्सा, वो कितना मिला हुआ है। TFM हर साबुन पर मिलता है, विचार कर लेना, बिना TFM की साबुन का ही उपयोग करना, नहीं तो आप जिससे नहा रहे हो वो खुद ही अशुद्ध है, वो आपको क्या शुद्ध करेगा। और गीजर की बात भी करी थी कि नल चलाते हो और कीड़े बिल बिलाते हुए हजारों कीड़े उबल कर पानी से मत नहाना, और फिर वो सुबह से उठकर उसकी बात भी करी थी, कौन किसकी, मंजन की और पेस्ट की, विचार कर लेना सुबह से ही पाप का साथ आपके हाथ में ना हो। और फिर बात करी थी वो जो कपड़े आपने पहने हैं कहीं वो हो काय के नहीं हो, पावर लूम के नहीं हो, सब तो वही पहनते हैं, वही पहनते हैं ना भैया, बता तो दो राहुल भाई वही पहने ना, तब वो पहने हैं तो हम कैसे हम शाकाहार का, हमारी यहाँ की जो माताएं बहनें हैं लगभग सभी ने थोड़ी थोड़ी बात मानी, पूरी पूरी मानी कि नहीं पता नहीं, पूरी मानी वो लोग बोल रहे पूरी मानी। हमने कहा चातुर्मास में कम से कम जैन बन जाना और उन शुद्ध सात्विक वस्तु को आप पहनना, बहुत लोगों ने मानी और बहुत लोग नहीं भी मान रहे हैं, कोई बात नहीं, जिनने मानी तो बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने तो उसको स्वीकार किया, माना और पहने भी हैं। देख लो आप पीली पीली साड़ी जितनी दिख रही है ना, सब हथकरघा की है, सुबह से लेकर शाम तक वो हथकरघा की शुद्ध वस्त्र वो पहन रहे हैं। और मैंने बार बार कहा क्या पता क्यों आपको ऐसे देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, और आप वो लाल पीली काली हरी नीली में आते हो तो आप इतने अच्छे नहीं दिखते, इसमें बहुत अच्छे आप दिखते हैं, ये वाली बात बोली थी। और फिर आपके बीच में आइसक्रीम की भी हकीकत रखी थी मैंने, क्या वो आइसक्रीम, अभी आइसक्रीम के ऊपर और बताऊंगा, और भी बहुत सारी जानकारी आइसक्रीम के ऊपर दूंगा कि आइसक्रीम में क्या उसमें मिला होता है, क्या क्या वो बाद में और रखूंगा। उसमें आपसे कहा था कि 55% उसमें हवा होती है और 35% गंदा पानी होता हैगा, और वो आप ले रहे हैं और उसको बरकरार रखने के लिए जो कत्ल खाने हैं उस कत्ल खानों में जो दुर्गंधित और नीचे पड़ी हुई जो मांस के टुकड़े हैं उनसे जो है उनसे इस प्रकार का पदार्थ बनाया जाता है ताकि वो जो आप जीभ में रखे वो जल्दी पिघले ना, वो बरकरार बना रहे। फिर जिलेटिन की बात करी थी, वो जिलेटिन क्या है, तो जानवरों की हड्डियों त्वचा और रेशों को उबाल कर बनाया जाता है, उसका प्रयोग आइसक्रीम आदि सब में होता है। फिर जेली की बात करी थी, जो जेली आप बहुत चाव से लेते हैं, उस जेली वो जेली बनती काय से, वो जिलेटिन से ही जेली का निर्माण होता है, और जेली अधिकतर केक में शैम्पू में कॉस्मेटिक सभी सामग्रियों मिलती है। और जेली के बाद चॉकलेट की बात करी थी, कल अच्छा लगा, बहुत सारे बालकों ने भी बोला, बहुत सारी बहनों ने भी बोला, कल की बात सुनने के बाद जब चॉकलेट की वास्तविकता भी और रखूँगा, चॉकलेट की कुछ बातें रखी भी और आगे पूरी बातें और रखूँगा भी, कौन कौन सी क्या क्या किस किस प्रकार से वो होती हैगी वो वाली बातें भी आपको रखूँगा। सिर्फ अभी तो एक ही के बारे में बोला था, नेस्ले किटकैट, उसमें क्या होता है रेनेट मिलता है, वो रेनेट काहे से बनता है, वो रेनेट बनता है उन छोटे छोटे बछड़ों से, नवजात बछड़ों से रेनेट बनता है, और उस रेनेट मतलब उस अमाशय से निकाला जाता है उस एसिड, उसके माध्यम से किटकैट जो आपकी चॉकलेट वो बनती है। जो जो किटकैट खा रहे हैं ये मान के चलना कि उस किटकैट के माध्यम से आप हजारों पशुओं के वो भी बाल, क्योंकि वो बड़े जो होते हैं ना उनमें रेनेट नहीं निकलता, रेनेट की मात्रा बच्चों में होती है, जो दूध पीते हैं उन्हीं में होती, जो घास खाते हैं उन बच्चों में नहीं होती, और वो भी उनमें जो मादा है मतलब इनकी स्त्रियाँ हैं उनमें वो रेनेट निकलता है, वही रेनेट की मात्रा पांचवें अमाशय में वो रेनेट मिलता हैगा। अब सोचो उस पांचवें अमाशय को काट कर निकालते हैं उसमें से रेनेट निकलता, उससे किटकैट आदि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसी रेनेट के माध्यम से बनती है। और फिर उसके बाद है जैम की बारी आती है, जैम जो है अधिकतर
जेम्स मतलब जो जेम्स होते हैं जिलेटिन से ही होते हैं, जिलेटिन से ही बनते हैं। अब जिलेटिन मतलब क्या? मृत जानवरों की हड्डियों रेशों और त्वचा से उबालकर बनाने वाली वस्तु, उसको कहते हैं जिलेटिन। जेम उसी से बनता है, और जेम आप लेते हैं खाते हैं आपके उपयोग में आता है, उसको आपको विचार करना चाहिए क्या जेम। उसके बाद आपसे करता हूँ वासेस्टर मतलब जो कैसे सॉस, सॉस क्या बोलते हैं, टमाटो सॉस उसी को बोलते हैं, टमाटर से बनता है वो सॉस। तो कहते हैं कि वो जो टमाटर से जो सॉस बनता है, आखिर क्या कारण है कि वो इतने समय तक अपने स्वाद को और इतने समय तक अपनी गुणवत्ता को बनाए रखता है। बोले उसको और अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं कि इकोनॉमिक नामक एक छोटी मछली होती है, उन मछलियों का चूर्ण उसमें मिलाया जाता है। उस श्वास में जो श्वास आप लेते हैं, उस श्वास में श्वास है ना, श्वास क्या श्वास बस हम तो ये टमाटर का बनता वो ठीक है ना, वो बोलते नहीं वरना श्वास, तो श्वास जो है सोस, सोस भी बोलते हैं ना सोस, उस सोस में आप विचार करना क्या मिलता है, वो मछलियां, उन छोटी छोटी जो मछलियां जो समुद्र से वो आती है लेकिन वहीं रह जाती, उन छोटी बच्चियां जो होती है उन मछलियों का पाउडर उसमें आपके स्वाद के बरकरार रखने के लिए और साथ में लंबे समय तक वो रहे इसलिए उसका चूर्ण मिलाया जाता है, उनको सुखाया जाता है, पाउडर किया जाता है, पाउडर करने के बाद उनको पीसा जाता है, और पीसने के बाद जैसे आप जीरावण मिलाते हैं वैसे ही जीरावण के रूप में उस सॉस में वो मछलियों का पाउडर मिलाया जाता है। थोड़ी बहुत भी दया, थोड़ी बहुत भी करुणा है तो बार बार सोच लेना, विचार कर लेना, उसके बाद ही उस सांस को अपने मुंह पे रखना, नहीं तो फिर यही मान के चलना कि हम मछली का पाउडर सेवन कर रहे हैं। बिल्कुल वास्तविकता, वास्तविकता आपके सामने रख रहा हूँ। फिर बोले शेलेक, ये शेलेक मतलब क्या होता है, ये शेलेक क्या कहलाता है, कहाँ मिलाया जाता है? तो कहते हैं ये जो शेलेक है ये कोड़ी की मृत काया है, मतलब जितने कीड़े हैं इन कीड़ों की मृत काया क्लेवर होता है। 300 मतलब उसका पूरा परफेक्शन दिया है कितने में कितना बनता है, एकदम परफेक्ट आप लोगों के बीच में वो रख रहा हूं कि 333 ग्राम शेलक के निर्माण में कितने, बोले 100,000 लगभग कीड़ों को मारा जाता है। 100,000 कीड़े जब बनते हैं तब 333 ग्राम बिल्कुल नेट इतना जो है वो शेलक तैयार होता है। ये शेलक होता क्या है, किस काम में आता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, हम तो जानते नहीं है, हमने तो पहली बार सुना है इसका नाम, कोई बात नहीं बता देता हूँ इसका प्रयोग कहाँ होता है। कैडबरी कंपनी की जेम्स जो आती है ना, कैडबरी की जेम्स जो आती है और नटीज जो आती है मुख्यतः इसमें किया था, और बहुत सारे अन्य उत्पादनों में इस सेलेक का प्रयोग किया जाता है। जो बता दिया है 333 ग्राम 100,000 कीड़ों को मारा जाता है, उबाला जाता है, सुखाया जाता है, उसका पेस्ट बनाया जाता है, फिर उसको सुखाने के बाद उसको पाउडर फॉर्म में किया जाता है, और फिर आप उसको जेम्स जो खाते हैं उसमें उसका उपयोग किया जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई निवासी ब्यावर।